जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंडली गीक में। तो आज हम जानने वाले हैं कि अपनी पेन ड्राइव को बूटेबल कैसे बनाया जाए, और उसके लिए हम लोग को चाहिए होंगी दो चीजें। सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर चाहिए कि जिससे हम लोग बनाएंगे अपनी पेन ड्राइव को बूटेबल, ठीक। और दूसरी चाहिए विंडोज की आईएसओ इमेज। आईएसओ इमेज क्या होता है? विंडोज ही होती है, बस वो आईएसओ इमेज में कन्वर्ट हुई होती है, ठीक है। तो ये है मेरी रूफोस ऐप, यानी कि एप्लीकेशन जिससे हम लोग अपने पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने वाले हैं, और ये रही हमारी आईएसओ इमेज, ठीक है। तो जल्दी से हम लोग चलते हैं अपने एप्लीकेशन की तरफ और इसको करते हैं ओपन, ठीक है। और ये जब तक ओपन हो रही है, तब तक एक चीज समझो, आपकी जो पेन ड्राइव है वो आपके कंप्यूटर में लगी होनी चाहिए, ठीक है। और सबसे पहले देखिए, अब यहाँ पे कुछ ऐसा दिखा रहा है डिवाइस, तो जो मेरी डिवाइस है वो देखिए इसने अपने आप सेलेक्ट कर ली है। अब यहाँ पे नीचे पूछेगा बूट सेलेक्शन में, यहाँ पे पूछेगा आपकी आईएसओ इमेज, ठीक है। यहाँ पे लिख के आ रहा है प्लीज सेलेक्ट, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ सेलेक्ट पे जाएंगे और यहाँ से हम लोग अपनी जो आईएसओ इमेज है उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये है हमारी आईएसओ इमेज, और कर देते हैं ओपन, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेलेक्ट हो चुकी है, ठीक। और यहाँ पे अब आप लोगों को कोई भी चीज छेड़खानी नहीं करना है। और एक चीज ध्यान रहे, ये देखिए ये पूछ रहे ना जीपीटी और पार्टीशन, ये जीपीटी पार्टीशन, ठीक है। तो यहाँ पे जीपीटी और एमबीआर, यहाँ पे दो ही चीज आते हैं, ठीक। तो अब यहाँ पे कैसे पता करें कि आपका कंप्यूटर किस पे चल रहा है, एमबीआर पे चल रहा है, जीपीटी पे चल रहा है? उसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना के रखी है, आप लोग वहां से जाके उस वीडियो को देख लेना और आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि आपका कंप्यूटर जो है वो एमबीआर पे चल रहा है या जीपीटी पे चल रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना है, अब इसके बाद कुछ भी मत छेड़ना और कर देना है इसको सिंपली स्टार्ट, ठीक। और ये आपकी जो पेन ड्राइव है उसको एक बार फॉर्मेट करने के लिए कहेगा, तो हम कर देते हैं इसको फॉर्मेट। ये एप्लीकेशन अपने आप ही आपके पेन ड्राइव को फॉर्मेट कर देती है। तो अब यहाँ पे इसको लगने वाला है टाइम, और हम लोग करते हैं वीडियो फास्ट फॉरवर्ड। और ये जो एप्लीकेशन है आपको कहाँ से मिलेगी, और आप लोग ये जो विंडोज है इसका तो लिंक आप लोग डाउनलोड कर ही लेना, और मैं एप्लीकेशन का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप लोग डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो करते हैं। तो दोस्तों हमारी जो पेन ड्राइव है वो फाइनली पूरी कंप्लीट होने वाली है, ठीक है। तो ये हमारी पेन ड्राइव कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अभी तक यहाँ पे साइड में हमारा जो एक लोगो होता है बूटेबल का वो नहीं शो कर रहा है। तो वो कैसे शो करता है, ठीक है, वो दिखाता हूं मैं, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि जो हमारी पेन ड्राइव है वो बूटेबल बनी है कि नहीं बनी है। तो सबसे पहले हम जाते हैं अपने दिस पीसी में, तो देखिए यहाँ पे जो हमारी ड्राइव है डी ड्राइव, वो अभी तक कोई भी लोगो शो नहीं कर रही है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जो हमारी ड्राइव है, सॉरी हमारी जो पेन ड्राइव है, ठीक है, उसको हम निकालेंगे कंप्यूटर से और दोबारा से लगाएंगे, ठीक है। तो जो यहाँ पे एरो है वो शो कर जाएगा, तो मैं अभी निकाल के दोबारा से लगाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, मैं अपनी जो ड्राइव है वो मैंने निकाल के दोबारा से लगा दी है पेन ड्राइव, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब जो आपको है ये एरो शो कर रहा है, इसका मतलब ये है कि आपकी जो बूटेबल पेन ड्राइव है वो रेडी टू गो है। आप लोग बस जाइए और जैसे विंडोज को इंस्टॉल करते हैं वैसे जाके इंस्टॉल करिए, और आपका काम खत्म, ठीक है। तो मिलता हूं अब आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।